बिहार में बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच में डील पक्की हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 13 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि वे एनडीए के साथ हैं और उनकी सीटों पर बात पक्की हो गई है। हालांकि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिली हैं इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन समझा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मामले में चिराग अपने चाचा पशुपति पारस पर 20 पड़े हैं। बीजेपी ने सीट शेयरिंग में पशुपति पारस से ज्यादा चिराग पासवान को अहमियत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के सामने लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें राज्यपाल बनाने और चिराग के चचेरे भाई और सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक जो खबर निकल के आ रही है वह यह है कि सीट शेयरिंग में पशुपति पारस गुट को एक भी सीट नहीं मिली है। बीजेपी ने चिराग को तवज्जो देते हुए उनके गुट को राज्य की 5 लोकसभा सीटें देने का फैसला किया है। चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे जहां से पशुपति पारस अभी सांसद हैं। सीट शेयरिंग पर बात बनने के बाद चिराग पासवान ने पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी अपने दोस्त की तरह उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो दो बार हम लोग लोकसभा और दो दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर-घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ना सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, ये मेरा विश्वास वहाँ से आता है कि ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। सीट शेयरिंग में चिराग से पीछे रह जाने के बाद पशुपति पारस को एक और झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पशुपति खेमे के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मिलने उनके घर पे पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। समझा जा रहा है कि महबूब अली कैसर फिर से चिराग पासवान के खेमे में लौट सकते हैं। चिराग पासवान से मिलने के बाद महबूब अली कैसर ने मीडिया को बताया कि टिकट मिला तो चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ूंगा,
उन्होंने कहा कि खगड़िया सीट से ही चुनाव लड़ने का हमारा पूरा इरादा है। अली अभी खगड़िया से ही सांसद हैं। इससे पहले पारस गुट की सांसद वीणा देवी भी पिछले साल नवंबर में चिराग पासवान का हाथ थाम चुकी हैं। समझा जा रहा है कि महबूब अली कैसर को फिर से चिराग से मिलवाने के पीछे वीणा देवी का ही हाथ है और इस तरह चिराग पासवान ने पशुपति पारस के घर में सेंधमारी कर दी है। वीणा देवी को अपने खेमे में शामिल करके चिराग पहले ही चाचा पारस को बड़ा संदेश दे चुके हैं। इधर चिराग को सीट शेयरिंग में 5 सीटें मिलने पर पशुपति पारस खेमे में भारी हलचल है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह गुट इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिलाने पर भी विचार कर रहा है। समझा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक बिहार में और भी कई सियासी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।